और इस देश की मूलभूत बहुत ही गंभीर एक विषय एनआरसी के साथ जोड़ते हुए मैं ईवीएम किस तरीके से एनआरसी के साथ जुड़ा हुआ है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा और एनआरसी की गंभीरता कितनी है ये सदन आज समझेगा। जब एनआरसी की पहली सूची प्रकाशित हुई उसमें ये कहा गया कि हम लोगों ने 40 लाख विदेशियों 40 लाख घुसपैठियों की शिनाख्त की 40 लाख घुसपैठियों की शिनाख्त की और इसी बिंदु पर 2019 का चुनाव हुआ और पूरे देश में माहौल क्या बना और किस तरफ आंकड़ा गया सभी को नजर आया। साथियों ये अपमान और ये दुर्भाग्य की बात है, भारत का संविधान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो इस देश के प्रधान सेवक है और भारत के संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है जो भी कार्यपालिका में है वे सभी पब्लिक सर्वेंट यानी जनता के सेवक हैं। यह संविधान हमें बताता है और प्रधान सेवक के नीचे काम करने वाले सेवक असम के लगभग 3 करोड़ लोगों को यह बोलते हैं कि तुम आओ और अपनी नागरिकता साबित करो। ये बात सोचने वाली है साथियों, हम आजाद देश के नागरिक हैं, भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता की गारंटी देता है, हमें सम्मान से जीने की आजादी देता है और यह कैसा सेवक है जो हमें बोलता है कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो। यह बात बहुत ही गंभीर है। पिछले तकरीबन 4 या 5 सालों से असम के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें रोज नोटिस दे दिया जाता है, आप यहां आइए डॉक्यूमेंट लेके, आप वहां जाइए डॉक्यूमेंट लेकर के, हजारों लोग मर गए। अरे भैया जो लोग अप्लाई किए एनआरसी की प्रक्रिया में उनके पास तो डॉक्यूमेंट है तभी ना अप्लाई किए, जो सचमुच विदेशी हैं उनके पास तो भारत का डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं तो वह अप्लाई ही कैसे करेंगे। तो जितने लोग अप्लाई किए थे उनके पास तो कोई बेस था तभी ना अप्लाई किए, तब तो सच्चे भारतीय थे। आप उनमें से 40 लाख को बोल रहे हो ये विदेशी हैं, ये अपमान की बात है कि नहीं? अपने देश के नागरिकों की अपमान की बात है कि नहीं? और ये अपमान की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है अपने देश के लोगों का अपमान? हमारे देश के प्रधान सेवक, 2019 का चुनाव हुआ, पहली संसद बैठी, मुझे दुख होता है ये बात बोलते हुए कि संविधान पर माथा टेका गया। साथियों मुझे खराब लग रहा है ये शब्द व्यवहार करने के लिए कि संविधान को समाधि बना दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, ना कार्यपालिका काम कर रही है, रिजर्व बैंक खत्म कर दिया गया है, देश की पूंजी लूट ली गई है, नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। अब पूरे देश में यह बात लागू की जाएगी, एनआरसी लागू होगी कि भैया आप साबित करो कि आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं, तो संविधान रहा कहां? ये पार्लियामेंट में वो सिग्नल था कि देखिए संविधान को हमने समाधि बना दिया। साथियों आज ये जो दौर है ये दौर बहुत ही गंभीर और भविष्य हमारा तो भविष्य खत्म ही हो गया। हमें लगता है कि अब हमें अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए लड़ना होगा, नहीं तो हम 70 साल जो पहले गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों के जरिए जो आजादी की रोशनी हम अपने जीवन में देखे, हम जब मर जाएंगे उसके बाद हमारे बच्चे ये आजादी की रोशनी नहीं देख पाएंगे।
खरीदने के लिए मजबूर होंगे। ईवीएम, आज ईवीएम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनका ईवीएम ही है। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनके तोते की जान कहाँ है, तो ईवीएम में ही है। साथियों, अगर हम ईवीएम को नहीं हटा पाए और अगर हम ईवीएम को बंद नहीं करवा पाए और बैलेट पे लौट के नहीं आए, तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, हमारा भविष्य समाप्त हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, यहां बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य अच्छे अच्छे रखे, उन सभी का समर्थन करते हुए मैं इस ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और जो शुरू होने वाली है, उसमें मैं सक्रिय रूप से तन मन धन जिस तरीके से होगा मैं अपना सहयोग आगे करूंगा। इतना ही करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।